आज हमारे यहाँ पर फनी नाम के साइक्लोन जो होने वाले हैं, ये देखिए वो होने के पहले इसका रूप कैसा है। ये देखिए पूरे आकाश क्लाउड से भरे हुए हैं और वो पूरब और दक्षिण की ओर से हमारे यहाँ आ रहे हैं। ये देखिए ये क्लाउड उसी तरफ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए। और हम लोग तो बहुत ही भय में हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा तूफ़ान है और इतने बड़े तूफ़ान सभी को बहुत भारी हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग आज टेरेस पे आए हैं, ऊपर की टेरेस पे, जहाँ पर हमारे प्लांट्स है, प्लांटर है और बड़े बड़े पॉट्स है, उन सभी पॉट्स को ठीक से रखने के लिए, क्योंकि भारी तूफान में पॉट्स इधर उधर हवा के झोंके से गिर सकते हैं। इसीलिए ये देखिए यहाँ पर ये बड़े बड़े पॉट्स थे, चेरी के प्लांट, गुलमोहर, ये सभी हम लोग नीचे रखे हैं। और अभी देखिए थोड़े बारिश शुरू हो गए हैं, यहाँ पर भी कुछ पॉट्स थे जो यहाँ पर रखे हुए हैं, ये देखिए। क्योंकि ये तूफ़ान बहुत ही बड़े और भयानक आने वाले हैं, तो पहले से ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सभी जगह न्यूज़ चैनल, सभी जगह पे अलर्ट किए जा रहे हैं सभी को कि सावधान रहे। ये बहुत बड़े तूफान है जो पहले यहाँ पर नहीं हुए हैं, इससे छोटे तूफान आए हैं, लेकिन इतने बड़े साइक्लोन फनी यहाँ पर नहीं हुए हैं। ये देखिए बारिश होना स्टार्ट हो गए हैं और ये देखिए क्लाउड की हाल पूरे ब्लैक, और देख के ही लगता है कि ये बहुत ही भयानक है। तो भयानक चीज़ से सावधान रहना चाहिए, तो इसलिए हम गार्डन में क्या करते हैं चलिए दिखाती हूँ। ये है फनी साइक्लोन की गतिपथ, वो रहे मेरे बेटा अर्ची और वो गए हैं वहाँ पर कि जो पॉट्स थे वो नीचे रखने के लिए। और यहाँ पर जो पॉट्स थे वो मैंने नीचे रखी है, ये देखिए ये सभी पॉट्स यहाँ पर थे। ये हमारे पापा जी जो बड़े बड़े पॉट्स को नीचे उतर कर रख रहे हैं और सभी बड़े छोटे सभी पॉट्स को हम नीचे रख रहे हैं। ऊपर के सभी पॉट्स को नीचे रख दिए हैं क्योंकि हमारे आसपास जो नेबर रहते हैं उनके घर पे ये पॉट्स ना गिरे, उनको कोई नुकसान ना हो इसलिए। और तूफान के बाद बहुत सारे नुकसान होते हैं, सभी नुकसानों से बचने के लिए आप भी अपने पॉट्स जितने भी टेरेस में हैं वो नीचे रख दीजिए और आप ठीक रहिए, आपके नेबर भी ठीक रहे, ये कामना करती हूँ। फ्रेंड्स, ये फनी साइक्लोन को देख के मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, मैं नीचे जाती हूँ। और आप लोग आपके गार्डन की ख्याल रखिए, आपके जो प्रियजन हैं उनको बाहर मत जाने दीजिए, और जो काम के सिलसिले में गए हैं उनको बोल दीजिए कि घर जल्दी लौट आए। और मैं चलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।